अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं चैनल माँ की दुआ। चैनल माँ की दुआ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। अब वीडियो का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो आपको, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यूरोप माल्टा में रहता हूँ और यहाँ पर जब जॉब्स आती हैं तो उसके हवाले से मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, ताकि अपने जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में लोग मौजूद हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और कुछ मालूमात में उनकी इजाफा हो सके, और जब वो यहाँ आ रहे हों तो कुछ रहनमई उनके लिए रहनमई का सबब ये वीडियो बन सके। सो मेरी वीडियो का आज टॉपिक है, मेरे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, कुछ ने ईमेल्स की, कुछ ने फ़ोन किया, कुछ ने मैसेज भी किए। उन्होंने रिक्वेस्ट यही मुझसे की है कि सर आपने हमें बताया क्रॉकरी के बारे में और इसके यहाँ पर आटा, चीनी, दाल और किस तरह लिया जाता है जब माल्टा में यहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर तो ये अब रिक्वेस्ट है मुझे कि यहाँ पर मकान, घर या फ्लैट या किस तरह से यहाँ पर आकर रहा जाता है, और कुछ फ्लैट के बारे में, रेंट के बारे में थोड़ा सा हमें आगाह किया जाए। सो मेरी वीडियो आज रेंट के बारे में है, जो कि यहाँ पर आकर घर किराए पे लेते हैं लोग या फ्लैट लेते हैं, उस टॉपिक पे आज की वीडियो है। तो ज़्यादातर जो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली लोग रहते हैं वो रहते हैं जनाब फ्लैट्स में, क्योंकि फ्लैट्स यहाँ पर रेंट थोड़े से कम है, घर और बंगलोस वगैरह में रेट बहुत ज़्यादा हैं। सो हम लोग वहाँ पर बहुत ही कम तादाद में रहते हैं, ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट्स में दो या तीन कमरे का फ्लैट्स यहाँ पर लोग लेकर और कुछ ज्वाइन होकर रहते हैं। सो मैं जो रहता हूँ वो अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, वाइफ है मेरी और तीन बच्चे हैं, और मैं रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं खुद ही रेंट अफोर्ड करता हूँ, जो मेरे घर का किराया है, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, जो मेरे घर का किराया है वो है 575 रुपीज़, और उसमें कुछ जो इंटरनेट का बिल है वो आ जाता है, तो वो होता है जनाब 40 यूरो, 40 यूरो। तो ये मिल मिला के 520-530 रुपये बन जाते हैं हर महीने। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का भी बिल आता है, जिसकी वजह से वो तकरीबन 530-540 तक ये मेरा ये रेंट पहुंच जाता है। सो यहाँ पर जो आम घर हैं, फ्लैट्स हैं, उनका किराया भी इसी तरह है। जो लोग बैचलर आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैं, या फिर जो अकेले आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में आ गए या पेंटर के काम में आ गए या शॉप असिस्टेंट में काम करते हैं, या कुछ लड़के लड़कियां जो नर्सिंग में हैं वो भी इसी तरह आके वो ज्वाइंट रहते हैं। सो एक कमरे में दो लोग अगर रहते हैं तो आराम से रह सकते हैं, उसमें ज्वाइंट टॉयलेट भी मौजूद होती है, और वो घर 600 से 700 तक यूरो में मिल जाता है, जिसमें तीन रूम या दो रूम होते हैं। ज़्यादातर तीन रूम वाले फ्लैट यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें ये कि अगर आप 6 लोग रहते हैं तो आपको 150 से या 120 से ज़्यादा किराया नहीं पड़ता। सो एक्सपेंस यहाँ पर 120 से 150 के दरमियान हो सकता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पर हम लोग आना चाह रहे हैं और हमें बताया जाए कि कौन से एरिया में माल्टा में रहा जाए, कि मेरा एक दोस्त शेफ़ है, एक दोस्त मेरा बेकरी में काम करता है, एक ऑफिस वर्क में काम करता है, तो हम तीनों आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और हमारी वर्क प्लेस भी डिफरेंट डिफरेंट है। सो माल्टा इतना बड़ा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर हर इलाका दूसरे इलाके से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल की तरह नहीं है कि बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का सफ़र होता है, और यहाँ पर इलाकों के किराए का भी हिसाब तकरीबन बराबर ही है, हर इलाके में सेम ही किराया होता है। सो अगर मिडल में रहा जाए माल्टा के तो वो ज़्यादा अच्छा है। मिडल जो है वो सेंट जूलियन के एरिया या बिरकिटकारा के एरिया को कह सकते हैं, कि वहाँ से हर चीज़ हमें 20 मिनट, आधा घंटे की मुसाफत पर है। सो यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है,
इलाकों का कि इस इलाके में बहुत कम किराया है और दूसरे इलाके में बहुत ज़्यादा किराया है। किराए तकरीबन सेम ही होते हैं, आप 600 से 700 का जहन में रखें और 3 कमरों का मिल जाता है आराम से। सो अगर जैसे आप लोग आ रहे हैं तो जो आपको इनवाइट करेगा वो आपके अकोमोडेशन का भी इंतज़ाम करेगा। अगर आपको कोई अकोमोडेशन में प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, सो मुझसे आप आने से पहले 15 दिन 20 दिन पहले या 1 मंथ पहले कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहनुमाई करूँगा, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करूँगा। बल्कि यहाँ पर जैसे होता है कि कुछ लोग आते हैं वो एजेंसी वाले या दूसरे जो एजेंट होते हैं वो पहले 1 महीने का किराया खुद ले लेते हैं और दूसरा सो मैं तो अपने लोगों की कंडीशन समझता हूँ कि वहाँ से आने के लिए बहुत अखराजात होते हैं और ऊपर से यहाँ पे कमीशन और इस तरह के एजेंट का पैसे देना बहुत मुश्किल काम है। सो इसलिए मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं करूँगा, कोशिश पूरी मेरी होगी कि आपकी मदद की जाए और आपकी रहाइश का बंदोबस्त किया जाए। अगर कोई मुश्किल होती है तो फिर की बात है। सो जैसे ही आप आते हैं वो तो जो आपको इनवाइट करेगा वो कोशिश करेंगे कि वो ही खुद करवाते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, आप तमाम के लिए हाजिर हूँ, कोई मुश्किल नहीं है और मैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। एक घर का किराया आप 600 से 700 के दरमियान होगा अगर आप कंबाइन मिलकर लड़के रहते हैं तो, उसमें भी है कुछ। यहाँ पर हॉस्टल भी ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पर एक बिल्डिंग है पूरी, उसमें बेड दिए हुए 50 लड़के या लड़कियाँ रहती हैं, सो उनमें भी अकोमोडेशन मिल जाती है। उनमें ये कि आप अकेले अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर पहले से लोग मौजूद हैं, अगर बेड स्पेस उसमें खाली होगा तो वो आपको दे देते हैं। सो इतना मुश्किल नहीं है रहाइश का, रहाइश आपके लिए बहुत ईजी है। खाने पीने का भी इसी तरह है, 150 तक आता है। सो रहाइश और खाना पीना 150 एंड 150 300 तक है। एक मैक्सिमम सैलरी जो है यहाँ पर 800 से 900 यूरो हर बंदे की सैलरी आ जाती है आम बगैर ओवर टाइम किए हुए। सो ये है कि आप 500 से 600 यूरो बचा सकते हैं और अगर बचाना चाहें तो, अगर नहीं बचाना चाहेंगे तो उसमें तो 1 रुपया भी नहीं बचेगा। सो अगर आप बचाना चाहते हैं तो 500 से 600 रुपये आप इन सेविंग कर सकते हैं और अपने ख़ानदान की कफालत कर सकते हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आप ज़रूर स्टेप उठाएं और ज़रूर आइए। मैं यह वीडियो लाता हूँ जॉब्स के मुतालिक। आजकल कोरोना वायरस की और ये जो वबा फैली हुई है इसकी वजह से तमाम चीज़ें बंद हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी जो मालूमात हैं वो फराहम कर रहा हूँ दोस्तों को डेली बेसिस पे कि यहाँ पर आने के बाद कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कितने कितने अखराजात होते हैं, उस हवाले से वीडियो ला रहा हूँ। जैसे ही तमाम ऑफिस दोबारा खुलेंगे मैं आपको अपडेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जॉब्स की क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता रहूँगा, आपसे बातचीत होती रहेगी रोज़ाना की बुनियाद पर। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरी वीडियो उन तक पहुँचाइए जो कि आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनकी मालूमात में और इजाफा हो। सो नेक्स्ट टाइम कल के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।